हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सॉरी फ्रेंड्स, फॉर लास्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट अपलोड द न्यू वीडियो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। सो फ्रेंड्स, टुडे I am going to start a new series of videos in which we are going to discuss on vocabulary. Friends, vocabulary jo hai, spoken ya written English, sabhi ke liye bahut hi important hoti hai. Jab tak hamare paas vocabulary nahi hoti, तब तक हम स्पोकन या रिटन इंग्लिश में किसी भी प्रकार की फ्लुएंसी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सीरीज शुरू करूं, जिसके द्वारा मैं आप लोगों को वोकैबुलरी से संबंधित जो है वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज अबाउट वोकैबुलरी and our today's topic in which we are going to discuss, that is vocabulary belongs to time. In this video we are going to discuss very simple, although this vocabulary I am going to tell you or we are going to discuss in this video, most of the students know most of the words in this video, but still I started the very beginning. ये जो वीडियो है, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो स्टार्टर हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए अपनी वोकैबुलरी एनरिच करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसलिए इसको आप लास्ट तक जो है वीडियो को ज़रूर देखिए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन, और कुछ एक जो है ये वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो टाइम से बिलोंग करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जैसे हमने ये वर्ड लिया हमारा सेंचुरी। सेंचुरी ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं शताब्दी। सदी भी बोल देते हैं इसको, सदी या शताब्दी होता है ये। नेक्स्ट हमारा ईयर, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वर्ष, साल भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट हमारा है हाफ ईयर, ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अर्धवर्ष, छमाही जिसको हम बोल सकते हैं, 6 महीने का समय। मंथ, ए पीरियड ऑफ 30 और 31 डेज, हिंदी में इसको मास या महीना भी बोलते हैं। फोर्टनाइट, दिस इज द न्यू वर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्टनाइट, ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन का जो समय होता है, 15 डेज, हिंदी में इसको बोलते हैं पखवाड़ा। पखवाड़ा, ए पीरियड ऑफ 15 डेज। अब न्यू वर्ड इज वीक, अ पीरियड ऑफ 7 डेज, सप्ताह। नेक्स्ट वर्ड इज डे, ए पीरियड ऑफ 24 डेज, दिन, दिवस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सीरीज आर, ए पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, घंटा, आर्स का हम कह सकते हैं यहाँ घंटा। नेक्स्ट आवर मिनट, ए पीरियड ऑफ 60 सेकेंड्स, मिनट को हम मिनट ही बोलते हैं। और लास्ट वर्ड इसमें हमारा सेकेंड, सेकेंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड। आवर नेक्स्ट वर्ड्स आर हेयर, इट स्टार्ट्स विद नाइट। नाइट, रात्रि,
या रात बोल सकते हैं इसको, रात्रि या रात होता है, मिडनाइट, आधी रात जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, आधी रात, इसको मध्य रात्रि भी बोल देते हैं, मध्य रात्रि। डान, ये एक ऐसा समय है डान, इट इज़ द टाइम बिफोर द मॉर्निंग, बिफोर द मॉर्निंग यानी कि हम कह सकते हैं सुप्रभात का समय, प्रभात का समय इसको हम बोलते हैं, प्रभात यानी कि जस्ट द टाइम जस्ट बिफोर द राइजिंग सन, मॉर्निंग से थोड़े से पहले का समय प्रभात का समय होता है। इसी प्रकार से मॉर्निंग, प्रभात के बाद का समय होता है, मॉर्निंग स्टार्ट होती है और ये नून तक का जो समय होता है मॉर्निंग टाइम बिफोर 12 नून, ये नून आ गया दोपहर, जस्ट टाइम ऑफ मिड डे भी इसको हम बोल सकते हैं, मिड डे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिड डे, मध्य दिन, बिल्कुल जो दिन का बिल्कुल एक आधा भाग होता है, आफ्टरनून दोपहर बाद का समय, मध्याह्न का समय भी बोलते हैं इसको, मध्याह्न का समय भी बोलते हैं, इवनिंग शाम, सायं भी बोल देते हैं इसको हम, शाम का समय, टाइम ऑफ इवनिंग, डस्क, इन द सेम वे इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डान, डस्क इज द अपोजिट ऑफ डान यानी कि इवनिंग के जस्ट बाद का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड डस्क, गोधूली बोलते हैं इसको हम हिंदी में, इसको गोधूली का समय बोलते हैं हम, गोधूली का समय यानी कि शाम और रात होने के बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड डस्क। आमतौर पे गोधूली, प्राचीन जो हमारी कविताएं हैं, प्राचीन जो हमारे लेख हैं, जितने भी हमारे पास जो हमारे प्राचीन लेखकों के जो लेख वगैरह कहानियां हैं, उपन्यास है, उसमें इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोधूली का समय प्राचीन काल में जब गायों के झुंड जो है चरने के बाद जंगल से गांवों की तरफ आते थे, शाम के बाद जब लौटते थे तो उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल है इस समय आसमान में छा जाती थी, तो उस समय को जो है वो गोधूली का समय बोलते थे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डस्क। टुडे, आज का समय जो आज है टुडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, और लास्ट वन इज टुमारो आने वाला कल। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा कुछ हमारी वोकैबुलरी जो कि टाइम से बिलोंग करती थी। देखिए, देखने में ये वर्ड्स काफ़ी आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि ये क्या है, ये तो हमें आते ही हैं। तो कोई भी चीज़ होती है उसकी स्टार्टिंग होती है, तो आई हैव स्टार्टेड दिस वोकैबुलरी सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे आज हमने टाइम के बारे में जो है वोकैबुलरी को जाना है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इस धारणा को छोड़कर कि ये तो हमें आता है, इसको क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो हमारी बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारे पास बेसिक वर्ड्स होते हैं, इसी प्रकार से इन छोटे छोटे आसान आसान शब्दों से करते करते ही हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की तरफ भी जाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, और ख़ासतौर से इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो वो इस प्रकार से इन वीडियोज़ के माध्यम से, इन लेसन्स के माध्यम से अपनी वोकैबुलरी को अनरिच कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आपकी वोकैबुलरी अनरिच हो जाती है तो आपको जो है वो स्पोकन और रिटन इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको ये लेसन पसंद आएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।